प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। एक बार फिर से मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, क्या हम बॉलीवुड की मूवीज़ और क्या हम ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ और क्या ये सॉन्ग्स हम सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था मुझसे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं उसके बारे में और मैं आपको आंसर करूं। पर हमेशा की तरह मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम उस ब्लेस्ड होप की तरफ देख रहे हैं, एक धन्य आशा कि बहुत जल्द हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा और हम उसके साथ अपने घर चले जाएंगे। पतरस कहता है हम यात्री और मुसाफिर हैं, हम यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, हम यहाँ पर फॉरेनर्स हैं। भले ही हम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है और हम वहाँ से अपने सेवियर, अपने उद्धारकर्ता के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें खुदा में बढ़ना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें स्वयं में घटना है और परमेश्वर में बढ़ना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूँ। यही मसीह जिंदगी है, हर दिन हम घटते जाएं और वो हम में बढ़ता जाए, वो हमारी जिंदगी नियंत्रण में ले, वो हमारी जिंदगी को चलाए। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान दें। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44वां वचन। यहाँ लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। बाइबल बताती है कि कॉर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था, वो प्रार्थना भी करता था और लिखा है अपने कमाई में से, अपने पैसों में से वो बहुत सारे लोगों की सहायता करता था, मदद करता था। और परमेश्वर ने जब इसे देखा, मैं ये विश्वास करता हूँ, भले यहाँ पर लिखा नहीं है, पर परमेश्वर ने जब इसे देखा, इस व्यक्ति को, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि इस आदमी का उद्धार होना चाहिए, इस आदमी को बचाना चाहिए। और आप जानते होंगे प्रभु के स्वर्गदूत उसके पास आके बात करते हैं और उसे कहते हैं, सुन, पतरस नामक एक व्यक्ति है, उसे तू बुला। और बकायदा उसका एड्रेस दिया जाता है कि वो कहाँ है, उसे कहा जाता है कि जो कुछ वो कहे उस पर विश्वास कर। हम जानते हैं यहाँ से कॉर्नेलियस के घर पे स्वर्गदूत आता है और वहां पर पतरस के पास भी कुछ हो रहा था। पतरस ने एक दर्शन देखा कि कैसे एक चादर में कुछ ऐसे जानवर हैं जो नहीं खाए जा सकते हैं उसके कल्चर के हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से, लेकिन उसे कहा जाता है मार और खा। और पतरस कहता है, नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा प्रभु, ये अशुद्ध है। और पीछे से आवाज आती है, पतरस, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसे अशुद्ध मत कह। और हम सभी जानते हैं किस तरह से पतरस ने विजन देखा। और जब वो लोग आते हैं और पतरस को बुलाते हैं, तब पवित्र आत्मा पतरस को कहता है, इन लोगों के साथ जा। हम जानते हैं इस दर्शन का अर्थ क्या है। पतरस अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाता था, क्योंकि उसे लगता था कि हम यहूदी ही चुने गए हैं, अन्य जातियां नहीं चुने गए हैं। मैं ये भी थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, यहूदी वो लोग हैं जो परमेश्वर ने जिन लोगों को सबसे पहले चुना था। हम अन्य जातियों में से हैं, हम यहूदियों में से नहीं हैं। हम अलग अलग जातियों में रहते थे, लेकिन हमें अन्य जातियों को भी प्रभु ने चुना कि हम उसको स्वीकार करके हम उद्धार पाएं, हम नजात पाएं, हम सेव्ड हों। अब जैसे ही पतरस वहां जाता है और पतरस जीसस के लिए बोलना स्टार्ट करता है, इन लोगों में एक बहुत खूबसूरत बात थी, ये प्रभु के वचन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब जानते हैं आजकल बहुत से लोग चर्च में जाकर भी कुछ नहीं सीख पाते, वो सिर्फ देख के आते हैं चर्च कैसा है, क्या है, कौन आया, कौन नहीं गया। घर पे आके सिर्फ यही बातें करते हैं कि आज ये नहीं आई थी, वो नहीं आया था। ये बात दर्शाती है कि लोग चर्च जाके भी कभी कभी कुछ नहीं सीख पाते हैं। कुछ लोग तो नेगेटिविटी लेके आते हैं वहाँ से कि मैं वहाँ पर गया था, किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। जबकि बाइबल बताती है खुदा के घर में सिर्फ हम लेने नहीं, वहाँ पर हम देने के लिए आते हैं, हम अपने ऑफरिंग्स देने आते हैं, हम वहाँ पर प्रभु को प्रेज और वर्शिप देने आते हैं, हम उसको थैंक्स गिविंग देने आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ लेने की मेंटालिटी से जाते हैं, वो इस तरह की सोच लेकर आते हैं।
जब पतरस वहां प्रचार कर रहा था तब बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतरा। क्या आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, सुनने वालों पर? आप क्या सुन रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब वचन के ऊपर पवित्र आत्मा काम कर सकता है तो गलत बातों के पीछे दुष्ट आत्माएं काम क्यों नहीं कर सकता? जब वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर सकता है तो कुछ गलत सुनने वालों को जो गलत सुन रहे हैं उनके ऊपर ईविल स्पिरिट वर्क क्यों नहीं कर सकता? आप जानते हैं आजकल ये जो एक इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड, ये जो इंडस्ट्री है ये किस चीज को प्रमोट कर रही है? अब मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से ये गंदगी से भरे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं जो लोग वहां पर हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस वहां पर वर्क करते हैं पैसों के लिए, मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो भी अंधकार में है, वो भी नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं इस इंडस्ट्री के पीछे ईविल स्पिरिट्स काम कर रही हैं, गंदी आत्माएं वर्क कर रही हैं, और ये चीजें जो हैं, ये जो इंडस्ट्री है ये प्रमोट करती है व्यभिचार को, ये सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट करते हैं बड़ा बनने पर। आप देखिए मोस्ट ऑफ हार्डली कोई ऐसी मूवी बनती है जो एक अच्छा मैसेज पास करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ आप इन पिक्चरों में देखोगे कि व्यभिचार को प्रमोट करना, सिर्फ पैसों को प्रमोट करना, अपना नाम कैसे करना है, अपने एक स्वार्थीपन फैशन कैसे करना है, लड़ाई झगड़े करने के तरीके क्या है। आप देखिए मोस्ट ऑफ टाइम ऐसी ऐसी चीजें वहां पर प्रमोट की जाती हैं। इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गंदगी को प्रमोट कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को वहां पर रोल इसीलिए मिल पाता है क्योंकि मैं, आप थोड़े में समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने बॉलीवुड में ट्राई किया, लेकिन जब वहां पर ऐसी डिमांड्स की गई कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप जानते हैं, तब जब उन बहनों ने कहा नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तब उनको कोई रोल नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात की है, कभी कभी हमारे चर्च के अंदर भी ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि हम वहाँ थे लेकिन हम वहाँ से निकल आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंदगी है। आप जानते हैं शब्दों के पीछे एक स्पिरिट वर्क करता है। जब आप ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जिसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें अफेयर्स को, अटैचमेंट्स को प्रमोट किया जाता है, और जब आप उसको सुनते हैं और आपके अंदर ऐसे इमोशंस रेज होते हैं, आप उन चीज़ों के पीछे में पीछे कैप्चर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं जिसको सुनकर आपको बकायदा कुछ गंदा करने का मन करेगा, अपनी ओल्ड थिंग्स में जाने का मन करेगा, या आपको ऐसा लगेगा वो ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये इन गानों के पीछे गंदी आत्माएं हैं जो आपके लाइफ को गलत दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे बहुत सारी बहनें हैं, आज आप देखिए उनके कपड़ों के, आप उनके उनकी लाइफस्टाइल देखिए, लड़कों के बालों को देखिए। इन दिनों में मैं हैरान हो जाता हूँ कभी कभी, जब मैं जब बॉम्बे जाता हूँ कभी किसी काम से या मुझे कहीं और जाना पड़ता है, मैं लोगों को देखता हूँ बालों के तरीके, कपड़ों के तरीके, आप देखिए पूरी तरह से उनको देखकर उनको पता भी नहीं चला है कि इनका कितना मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बहन को सुन रहा था, एक बहन मुझे अपना अनुभव बता रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर मैं जब प्रभु में आई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गंदी चीज़ों से दूर रहूँगी, लेकिन एक बार उसने किसी बात की वजह से उसे चर्च मिस की, और मिस होती गई होती गई होती गई, गैप आ गई, वो चर्च नहीं आ पाई। और एक बार ऐसे ही उसे किसी ने लिंक भेजा और उसने उसको सुना, और सुनने के बाद वो इतना इमोशनल हो गई कि वो वापस गंदगी की तरफ फिर गई थी, लेकिन खुदा ने उसे वापस निकाला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर्दे पे जो भी चल रहा है ना सब झूठ है। और आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है झूठ के चाहने वाले, वहां झूठ चल रहा है और मैं उसे चाहकर देख रहा हूं। झूठ के चाहने वाले बाइबल बताती है हेल में जा सकते हैं, वे नरक जाएंगे। आजकल ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, बिग कॉमेडी नाइट
जिसमें नॉनवेज मस्ती चलती है, लोगों के पर्सनालिटीज पर बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई टाइम था, कभी कभी मेरे पास क्लिप आती थी, मैं देखता था, लेकिन मैंने कम्प्लीटली इन चीज़ों को बंद कर दिया जिस दिन मुझे खुदा ने ये बातें समझाई। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन बॉलीवुड की मूवीज़ को देखने से, इन बॉलीवुड के सॉन्ग्स को सुनने से दूर भागिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको लग रहा होगा कि आज मैं खुद को एंटरटेन कर रहा हूँ इन चीज़ों के द्वारा, लेकिन एक दिन आप महसूस कर पाएंगे कि इनका कितना गंदा असर आपकी ज़िंदगी में है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा। जब प्रभु के वचन के ऊपर आत्मा काम कर सकता है, तो इन गानों के पीछे, इन मूवीज़ के पीछे गंदी आत्माएं क्यों काम नहीं कर सकती? आप जानते हैं, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, ज्योति हो जाए, तब पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर काम किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो दिन है जब हम प्रभु के वचन को प्रभु से सुने, हम पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिए, हम दान वरदानों से भरकर अपने कलीसिया के अंदर, अपने पास्टर के अंडर में रह के हम सेवकाई करें, हम प्रभु में बढ़ने पाए, न कि इस गंदे कल्चर में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आपकी उम्र क्या भी है, कितनी भी है, बॉलीवुड और हॉलीवुड के सॉन्ग्स और उनकी मूवीज को देखना कम्प्लीटली ऑफ कर दीजिए, क्योंकि कहाँ ना कहाँ ये चीज़ें आपके अंदर गलत सीड्स को डाल रही हैं, गलत चीज़ों को डाल रही हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। इन बातों से दूर रहिए। अगर आप ये कहोगे कि ऐसा थोड़ी है, सब थोड़ी फिल्में गंदी होती हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आजकल ऐसी मूवीज बनती हैं जो आप घर के फैमिली को, अपनी बहू बेटियों और माँ के साथ बैठ के देख सको? जी नहीं। ये कहाँ ना कहाँ अपने अंदर के गुनाह को कंफर्ट करना है कि नहीं नहीं हर चीज थोड़ी गंदी होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग आजकल ऐसी स्टेटमेंट्स कहते हैं, नहीं नहीं कोई गंदी, सब थोड़ी गंदी होती है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ईयर में एक बार आपने पुराना और नया नियम हर ईयर कंप्लीट करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप साल में एक बार पुराना और नया नियम कंप्लीट करते हैं? आप कितने डाइवर्ट हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईयर में एक बार आप पुराना और नया नियम, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट करते हैं? आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन इन नॉनसेंस चीजों के लिए टाइम है। मुझे कोई फिक्र नहीं है अगर आज मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर लेंगे, इट्स कंप्लीटली ओके फॉर मी, चलेगा मुझे। लेकिन मुझे पता है आज जो मैं बोल रहा हूं ये कितना जरूरी है इस जनरेशन के लिए जो एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपना आइडल बनाते हैं। आजकल तो ऑनेस्टली मैं हैरान हूं कि कैसे लोग बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी सुनते हैं, उसी जुबान से आराधना भी करते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड शो करना चाहता हूं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए यहाँ क्या लिखा है। 3 अध्याय याकूब की किताब, 11 वचन, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? बाइबल कहती है एक ही सोते से दो तरह का पानी नहीं आ सकता। एक तरफ परमेश्वर की आराधना करना, दूसरी तरफ बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाना, ये हम पे सूट नहीं करता। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक तरफ हो जाइए, ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इन सबको आप डिलीट कर दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपको मिसलीड करे, वो चाहता है आप आगे बढ़े, वो चाहता है आप उसके लिए गाएं, न कि ये सब गाएं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीजों से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाइए और प्रभु में बढ़िए, ताकि वो समय पे आपको वैसा इस्तेमाल कर सके जैसा वो स्मिथ विगिल्सवर्थ, A.W. टोजर, जैसे वो बिली ग्राम, जैसे वो साधु सुंदर सिंह, रेनहार्ड बोंके का इस्तेमाल करता था, वो आपका वैसा ही इस्तेमाल कर पाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर कुछ समझा होगा, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का नाम है बॉलीवुड। आप चाहें तो इस नंबर पे, आप स्क्रीन पर इस समय आपके नंबर है, आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जस्ट इतना लिखिए बॉलीवुड, आपका नाम और आप कहाँ से है, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। खुदा आपके साथ है, आप सबको जय मसीह की।